हेलो हाँ बोलो। नहीं ये लारी के पास चाय पीने खड़ा हूँ। हाँ रिक्शा वो सामने स्टैंड पे खड़ी। नहीं यार कब से खड़ा हूँ, एक सवारी भी नहीं मिली है। देखो देखो तुम चिंता मत करो, देखो ऐसे चिंता करने से कुछ होगा तो नहीं ना। हाँ मुझे पता है कि, अरे भाई पता है मुझे कि बच्चों की फीस भरनी है, राशन भी भरना है, सब पता है मुझे, पर क्या करूँ, सवारी तो मिलनी चाहिए कि नहीं। अरे हाँ इतनी करके सुबह तक 2000 रुपये लेकर ही आऊँगा, ठीक है। ओ भाई 5 बत्ती चलेगा क्या? हाँ चलूंगा ना साहब। ले भाई बैग ले ले चल। हाँ हाँ बैग ले ले। रेडी सर। ओ साहब अरे भाई 5 बजने को आए हैं, तू जल्दी आ जा, मैं ऑफिस पहुंचने ही वाला हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है भाई। 5 बत्ती के 150 रुपये होते हैं, इतने रुपए तो है ना आपके पास? अरे है ना भाई, क्या पैसे पैसे कर रहा है। अब क्या करें साहब, घर बार लेके बैठे हैं तो सोचना तो पड़ता है ना अपना। रोक रोक। अच्छा यहाँ पे? हाँ ठीक है। ले भाई 100 रुपये। अरे भैया अभी 100 तो रखो यार, 50 कल ले लेना। तो साहब रात को है ना 11 बजे से खड़ा हूँ, तब जाके एक सवारी मिली है। बीवी का कॉल आया था, खुश होने की जरूरत नहीं है, डिमांड किया ना एक लंबी लिस्ट दी है हाथों में, ये लाना है वो लाना है। अरे भाई तू ऐसा कर मेरा नंबर ले ले, कल कॉल करके आ जाना। एक काम करो मोबाइल दे दो। अरे मोबाइल ले भाई, मोबाइल कैसे दे दूँ, मेरे इंपॉर्टेंट कॉल आते हैं यार, ऐसे कैसे मोबाइल दे दूँ। तू एक काम कर ले भाई, तू घड़ी ले ले। ठीक है रात में आऊँगा, नाइट कॉल भी करता हूँ, ठीक है। चलो बैग ले लो, माला घड़ी का। कल रात को आऊंगा। हाँ ठीक है भाई आ जाना। सलाम किसका मुझे।
ऑटो। भैया चलो चलो ना भैया, आगे चलो। अब ये कौन है? अब कहाँ जाना है? अब चलो ना भैया, मैं बताती हूँ ना आपको। पूछना तो पड़ता है ना मैडम, एकदम से आप अचानक आके बैठ गए। सीधे सीधे जाने दीजिए मैडम, कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं है ना? कुछ लफड़ा नहीं है भैया, आप सीधे सीधे जाने दीजिए। हाँ ये कहाँ गए? ओ मैडम, आपने तो डरा दिया था मुझे। हाँ भैया। हाँ आप सीधे बैठिए मैम, ठीक है? हाँ सीधे बैठिए। हाँ जान देता हूँ, सीधे जान देता हूँ, सीधे। जूता ठीक कर रही थी भैया, इसमें इतनी डरने की क्या बात है? यहाँ से अंदर ले लीजिए। आगे से लेफ्ट ले लो। लो लो मैडम आगे। ओ मैडम, ओ मैडम रुकिए, ओ मैडम। मैडम, ओ मैडम, दरवाजा खुला है शायद, अंदर कोई दूध तो नहीं थी? दूध लोग रिक्शा में थोड़ी आते हैं, तो उनके चले जाते हैं। बहुत दुख रहा है, कोई हॉस्पिटल ले चलो। आइए सब समझ। बहुत दुख रहा है। अब हाँ, आराम से। पता नहीं अभी कौन सा दवाखाना खुला होगा। साहब आप चिंता मत कीजिए, देखिए वैसे भी सुबह होने वाली है, पर एक डॉक्टर है उसे मैं पहचानता हूँ। आइए संभल के, आइए सब, आइए। पचर नहीं था, थोड़ी सी मोच है, ठीक हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दवा देता हूँ, ले लेना। पैसे यार, पता नहीं कैसा दिन निकला है, सब लेने के देने पड़ रहे हैं। इधर
आगे से राइट लेना। साहब अपने तो उधर से आए थे ना। अरे भाई मैं वहां पे सफाई करने गया था, मेरा घर तो यहाँ पर है, मैं रास्ता बताता हूँ, आप चलो। अच्छा ठीक है। आप यहाँ पर बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अरे खड़े क्यों हो, आओ आओ। वो लड़की कहाँ है साहब? उसके पैसे भी आप ही दोगे ना? कौन सी लड़की? ये वाली? ये लड़की? ऐसा कैसे हो सकता है? आप इसे मेरे पास लेकर नहीं आए थे, ये आपको मेरे पास लेकर आई थी। आज भी वो इतना ही ख्याल रखती है मेरा। ठीक है। पिछले कुछ समय में आप तीसरे इंसान हो। वो मेरी बेटी नहीं, बेटा है। नहीं, वो मेरी बेटी है, बेटी। हाँ यही सही है, मेरी बेटी। पापा पैसे देने हैं। ये लो आपके डॉक्टर के 500 रुपए। और ये 2000 रुपए आपका किराया। आप भी भले इंसान हो, आपने मेरी जान बचाई है। मैंने कहा बचाई साहब? जान तो इस लड़की ने बचाई आपकी। मेरी जान तो ले ली। अच्छा चलता हूँ साहब।